अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं बना रही हूँ बाज़ार जैसी क्रीमी फ्रूट चाट। ज़बरदस्ती फ्रूट चाट बनाएंगे आज हम। तो मैंने इसके लिए कुछ फ्रूट्स चॉप कर लिए हैं। इसमें स्ट्रॉबेरीज़ हैं, मेलन है, पपाया है, एप्पल्स हैं और बनाना है। इन सब चीज़ों को चॉप कर लिया है और साथ ही इसमें आपने पाइनएप्पल ज़रूर शामिल करने हैं। मैंने पाइनएप्पल मंगवाया था लेकिन वो ख़राब निकला तो मैं शामिल नहीं कर सकी। और इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भरकर किशमिश। किशमिश डालने से इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये मज़ीद हेल्दी हो जाएगी। और जब आप इसको बनाएं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी लगी आपको रेसिपी। अच्छा, इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम। और आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो मोटे मोटे चॉप करके इसमें शामिल कर दीजिएगा। तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है 4 टेबल स्पून के करीब कंडेंस मिल्क। ये मिठास के लिए शामिल किया है। आपने चीनी नहीं डालनी, चीनी डालेंगे तो ये रनी हो जाएगी क्रीम चाट, वो अच्छी नहीं लगेगी। तो ड्राई फ्रूट में मैंने इसके अंदर बादाम डाले हैं, 7 अदद बादाम। तो इनको मोटा मोटा चॉप करके शामिल कर दिया। और अब इसके अंदर डालेंगे एक मैजिक इन्ग्रीडियंट, वो है हैवी क्रीम। इसी से बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट आएगा। ये इसमें डालेंगे तो ही बाज़ार जैसी क्रीमी चाट का टेस्ट आएगा। तो इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने डाल दी है ये क्रीम। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जैसे कि मैंने आपको पाइनएप्पल एंड ऑरेंज सैलेड में बताया था कि जब भी आपने सैलेड को या चाट को सर्व करना है, जिस बॉल में सर्व करना है उसको फ्रीज़र में रख दें आधे घंटे के लिए। वो खूब अच्छे से ठंडा होगा तो काफ़ी देर तक आपकी चाट या सैलेड फ्रेश रहेगा और मज़ेदार रहेगा। तो जी, ये रहा फाइनल लुक क्रीमी फ्रूट चाट का। इसको खूब अच्छे से ठंडा करके सर्व करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।